Bye bye. Welcome to new vlog from a location Mount Abu. But अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं. यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं. So अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं हम जयपुर के लिए. जयपुर से होते हुए दिल्ली जाने की कोशिश है. अगर टाइम से पहुँच गए जयपुर तो दिल्ली निकलेंगे, नहीं तो जयपुर में स्टे कर लेंगे और वहाँ से सुबह सुबह निकल जाएंगे. सो इंट्रोडक्शन कर देते हैं. व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल है, होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह. सो अभी हम निकल रहे हैं कि जयपुर के लिए. और मैं अभी आपको अपनी बाइक दिखाऊं तो ये शैतान बच्चा है. सो अभी बाइक दिखाऊं तो बाइक पे सामान सारा मैंने बांध दिया है. इस साइड खड़ी है बाइक, ये लो पूरा सामान पैक हो चुका है, सब कुछ रेडी है. अब बस ये बंदा यहाँ पे बैठने के लिए बेताब है. उसके बाद हम निकलते हैं सीधा अपना जयपुर के लिए. आपने यहाँ का व्यू देखे होंगे. एक मैं दो जगह पे गया हूँ, एक ऊपर, एक यहीं पे नक्की लेक है और एक ऊपर टॉप पॉइंट है. सो दोनों जगह बहुत अच्छी हैं, यू मस्ट विजिट. कि अगर आप नहीं आए हो तो यहाँ आओ, बहुत प्यारी जगह है. ज़्यादा नहीं है दिल्ली से, करीब 700-750 किलोमीटर पड़ता है दिल्ली से, अगर आप डायरेक्ट दिल्ली से यहाँ कर रहे हो तो. सो चलो चलते हैं, जैकेट अंदर से लेके आता हूँ, हेलमेट लेके आता हूँ, फिर हम निकलते हैं यहाँ से जल्दी से. सो अभी चलो चलते हैं अब फटाफट से. ये लग गई चाबी, ये होगी बाइक स्टार्ट. एक ग्लव पहन लिया, ये पहन लिया हमने दूसरा ग्लव्स, राइट. सो चलो सो यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो हमारा नक्की लेक और जो यहाँ से हम होके आए अभी वहाँ का लोकेशन आ जाती है, और लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ से वो आ जाता है, क्या होता है अपना अबू रोड. फिर वो आगे जाके हाईवे पे जुड़ जाती है. सो एक बार यहाँ पे जाना है, वहाँ पे होके फिर हम यहाँ से चलते हैं. पूरी लेक को कंप्लीट करना चाहते हो तो ये एक रूट जाता है जो कि नक्की झील को पूरा कवर करके आता है. तो एक काम करते हैं, हमने एक नज़र मार के आते हैं, थोड़ा सा आगे जाके आएंगे, देखते हैं कि क्या है. मेरे को ये लग रहा है कि ये पूरा झील के आसपास से होके आ जाएगी. यहाँ तक फाइनल पॉइंट है. अगर यहाँ तक आगे, इसके आगे जो जा रहा है उसको यहाँ पे बाइक खड़ी करके वो पैदल कवर करके आना होगा. आगे मार्केट भी है, अच्छा पता नहीं, आगे मार्केट भी है, अच्छा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही राउंड है. ठीक है, तो आगे कोई मार्केट नहीं है, आगे बस ऐसे ही घूम के आने के लिए. होटल्स है, होटल है, कुछ भी नहीं है, अच्छा राइट. तो कुछ नहीं है आगे, यहाँ से जाने का कोई फायदा नहीं है, ये बस लेक का एक राउंड है जो राउंड कट करके आ जाती है. और अब वो बहुत दूर है, अगर दिख रहा हो, मुझे तो दिख रहा है आई लव माउंट अबू वाला लोगो लगा हुआ है, जो आजकल हर स्टेट में लगा हुआ है, दिल्ली में लगा हुआ है, चंडीगढ़ में लगा हुआ है, मुंबई में लगा हुआ है, और आपका मनाली, कुल्लू, जिस मर्जी लोकेशन पर चल जाओ, स्पीति, हर जगह पर ये लोगो लगा हुआ है. सो ये इंडिया की हर जगहों पर ये चीज़ आ रही है, धीरे धीरे हर जगह होगी. तो चलते हैं अब बिना टाइम वेस्ट करे हुए, अब हम निकल रहे हैं. अब हम किसी की नहीं सुनेंगे और किसी की वेट भी नहीं करेंगे. वेट किसकी करनी है, मुझे अकेला तो वैसे ही इस जर्नी पे. तो चलते हैं फटाफट से, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम सोचते हैं घर की तरफ. ये है माउंट अबू जो स्टेट है, उसका एग्जिट पॉइंट जब आप वापस जा रहे हो तो आपको ये आता है अम्बाला जी. यहाँ पे ये जयपुर है 495 किलोमीटर, राइट. तो जयपुर से 250 हो गया. तो अभी चलते हैं फटाफट से, और ये मेन गेट है जो एंट्री पे यहाँ पे मिलता है आपको, इस तरफ से भी है.
अभी ना प्यास लग रही थी क्योंकि मैंने सुबह से पानी नहीं पिया था, तो मैंने फटाफट पहले पानी पिया ताकि गला सूखना बंद हो। ये वो जगह है जहाँ से अगर आप हाईवे जा रहे हो, हाईवे से ये जगह कटती है और यहाँ से ऊपर के लिए रास्ता कटता है। पीछे लिखा भी हुआ था माउंट आबू। ये जगह का नाम क्या है मैं एक बार कंफर्म करके किसी से यहाँ पे लोकेशन डाल दूंगा, मींस कि नाम डाल दूंगा कि कहाँ से आपको रोड रास्ता कटता है। ये जगह कौन सी है? ये जगह कौन सी है? ये तो है मतलब आपको कहाँ जाना है? मेरे को तो दिल्ली जाना है। ये जगह कौन सी है? ये मतलब ऑस्ट्रेलियन नदी में इसको काला खेतन बोलते हैं। नहीं नहीं, जब ये माउंट आबू के लिए मुड़ते हैं यहाँ से तो ये किस जगह से मुड़ते हैं? ये इधर से। नाम क्या है, नाम जगह का नाम? ये इसको गांव का बोलते हैं किविली। किविली किविली, ठीक है, बस यही पूछना था। अभी कोई मुझे इशारे कर रहा था रुकने के लिए। दिल्ली? हाँ हाँ। मेरा बेटा है, वो कश्मीर गया हुआ है। अच्छा, मैं कश्मीर हुआ है अभी पिछले महीने गया था। आपका YouTube चैनल है? हाँ, लिखो, नोट करो, फोन निकालो, अभी अभी करो। ये लिखा आगे, देखो आगे आगे लिखा RI। यहाँ रोक लो, साइड पे रोक लो। हाँ, RIDERZ RIDE दिखाओ। ठीक है, चलो। इंस्टाग्राम पे हो? हाँ सर, मैं एडिटर हूँ। हाँ, फोटो एडिटिंग करता। क्या करते हो? फोटो एडिटिंग करता। अच्छा, बढ़िया, चलो इंस्टाग्राम पे टैग करना। यही है? हाँ, सेम सेम सेम, मिल जाएगा मेरे का। चलो ओके। और हेलमेट पहनो यार, बस यही जा रहा है, यही। चलो ठीक है, ओके। सो एक बार रिजल्ट लग गया है तो फटाफट से पेट्रोल फुल करवा लेते हैं। क्या बात है। चलता रहता हूँ, चलो ठीक, ओके जी। अच्छा, थैंक यू। आप ही चला रहे हो गाड़ी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आएंगे भी, मेरी फोटोज भी आती रहती है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ओके सर। चलो ओके। भर गया? नहीं, आज से दो वीडियो पहले मैंने बताया था कि उदयपुर में सबसे ज्यादा रेट है, लेकिन यहाँ पे उससे भी ज्यादा है। यहाँ पे 110 रुपए 14 पैसे है। हाँ, लीटर बाप रे। दिल्ली में तो फिर बहुत अच्छा है, 95-96 चलता रहता है। गुजरात में भी ठीक है। गुजरात में कितना है? 97 ऐसा भी है। अच्छा, वो तो राजा की स्टेट है ना, तो इस वजह से। चलो बस बस बस। प्लान जो किया था कि दिल्ली जाके स्टे करूंगा, वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। रीज़न बीइंग कि
नाइट में मैं राइड नहीं करना चाहता, और वैसे भी ठंड है, ठंड में तो वैसे भी नहीं करना चाहता। बट ये है कि हाँ, जयपुर तो पहुंच ही जाऊंगा। जयपुर इतना नहीं है, क्योंकि ये अब सीधा सीधा हाईवे ही है, आराम से चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं अब आगे की तरफ, फिर आपसे रास्ते में बात करते हैं। रात को रोड ब्लॉक थोड़ा कम होता है, जो रोड ब्लॉक के नाम से, मतलब जैसे सड़क पे चलते हुए नहीं दिखा सकता, क्योंकि अंधेरा होता है, कुछ आपको समझ नहीं आएगा, ना मेरे को मज़ा आएगा बनाने में, ना आपको देखने में मज़ा आएगा। तो रात की जर्नी ऐसी ही होती है, कभी कभी कर लेनी चाहिए। चल तो चलते हैं अब आगे, हैप्पी लाइफ। अब देखते हैं कितनी दूर जाके रुकना है। तो इनका रेस्टोरेंट था, तो चलो चलते हैं फटाफट से। मैंने ये भी चेंज कर लिया, अपना वाइजर भी चेंज कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं, अब चलाते हुए भी मज़ा आएगा। लेकिन जो भी है, नाइट में कैमरे में शॉट बड़ा प्यारा लगता है। फाइनली जयपुर पहुंच गए हैं। बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था आज, थकावट हो गई बहुत तगड़ी। फिर अब यहाँ से कल से निकलेंगे, कल निकलेंगे वापस दिल्ली के लिए। घर जाने की मेरे को आज बहुत जल्दी हो रही है। मैं रूम नहीं दिखा रहा, क्योंकि रूम बहुत मुश्किल से मिला है, वीकेंड के चक्कर में और क्रिसमस के चक्कर में रूम फुल हुआ पड़े हैं। बड़ी मुश्किल से एक रूम मिला है, तो रूम बड़ा अजीब सा, बस गुजारा करना है। सो कोई नहीं, होता है कभी कभी ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस भी लेने पड़ते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको क्या करना है, वीडियो लाइक करनी है, कमेंट करना है, शेयर करनी है, एंजॉय करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।